हेलो एवरीवन वेलकम टू वीर अकेडमी सो आज हम फिर से ओलम्पियाड के एम के की सॉल्व करने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम कौन सा चैप्टर सॉल्व करेंगे अगर आपको चैनल्स पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कुछ डाउट्स रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर कर दीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैंड एम टीजी वर्क बुक राइट और ये चैप्टर वन का प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो हम इसे सॉल्व करेंगे एक बार वन बाय वन इसे समझेंगे यानी सॉल्व करेंगे लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन में आपको बोला है मनोज क्रॉस्ड आउट मशरूम फ्रॉम द ग्रुप गिवन बिलो बिकॉज़ इट फेल्ट दैट इट डिड नॉट बिलोंग हेयर तो मनोज ने जो है ये जितने भी प्लांट्स दिखाए गए हैं उसमें से मशरूम को उसने कट आउट कर दिया है बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि ये वन आउट है ये इसमें बिलोंग नहीं करता है तो आप बोलिए उसने सही किया है या गलत किया है और अगर किया है तो क्यों किया है तो चलिए मैं बता देती हूँ मशरूम जो है वो एक फंगस है इट्स नॉट अ ट्री ठीक है कैक्टस जो है मीमोसा जो है कोकोनट जो है ये एक ट्री में बिलोंग करते हैं दिस ऑल आर दिस कैरेड आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथिसिस इसमें फोटोसेंथिस की प्रोसेस कैरेड आउट होती है एज मशरूम जो है वो एक फंगस है और वो अपना खाना खुद नहीं बनाता बिकॉज वो किस चीज़ पे फीड करता है कोई भी सड़ी गली चीज़ है तो वो उस पर फीड करता है तो इसीलिए मशरूम जो है इसमें से ऑड वन आउट है और मनोज का ये सोचना कि ये इसमें से अलग है ये सही है चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है विथ विथ सपोर्ट्स मनोज कंक्लूजन पहला है मशरूम इज अ प्लांट मशरूम इज अ प्लांट वाइल द रेस्ट आर नॉट तो ये गलत है मशरूम इज अ फंगस वाइल द रेस्ट आर नॉट ये सही है ऑप्शन बी मशरूम फीड्स ऑन डिकेइंग थिंग वाइल द रेस्ट डू नॉट ये भी सही है मशरूम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड वाइल द रेस्ट कैन तो ये भी सही है ये तीनों सही है बी सी एंड डी बी सी एंड डी ये करेक्ट है तो देखिए किस में किस में सही ऑप्शन दिया हुआ है इसमें बी सी दिया है नहीं ए सी डी दिया है नहीं ए बी डी दिया है नहीं बी सी डी यहाँ पे दिया है तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन ओके लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग तो यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है पहला बोला है द बॉडी ऑफ हाइड्रिला इज कवर्ड बाय मुसलीज एंड लीव्स हैव स्टोमेटा ऑल ओवर द सर्फेस तो यहाँ पे जो बोला गया है जो द बॉडी ऑफ हाइड्रिला इज कवर्ड बाय द दुस्लेज तो एंड द लीव्स हैव स्टोमेटा तो हाइड्रिला प्लांट जो होता है उसमें स्टोमेटा नहीं होता है तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है नंबर बी में बोला है लोटस हैज प्लेट लाइक लीव्स लोटस का जो लीवस होते हैं वो प्लेट लाइक -like होते हैं विद स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली इन द अपर सर्फिस स्टोमेटा जो प्रेजेंट है ओनली ऑन द अपर सर्फिस तो ये सही है आपने अगर लोटस को ध्यान से देखा होगा तो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसके लीफ के और वो ग्रीन होता है कलर में राइट right? और ग्रीन का प्रेजेंस होना मीन्स इट इज अट इज द प्रेजेंस ऑफ फोटोसेंथिस ठीक है तो अब नीचे ऑप्शन नंबर सी में बोला है डकविड है नैरोड जो है उसके नारो, thin, और रिबन लाइक लीव्स होते हैं तो नहीं डकविड जो है उसके ओवल शेप के बीक सॉरी डकविड जो है उसके ओवल शेप के लीव्स होते हैं ओके नंबर डी में बोला द रूट्स ऑफ अ टैप ग्रास फ्लॉट बिलो द वाटर सर्फेस टैप ग्रास इज कम्पलीटली एक सम्म प्लांट है जिसके रूट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं कहाँ पे वाटर सरफेस में ठीक है तो ये भी गलत है तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन में बोला है द प्लांट एक्स एंड वाई आर सिमिलर टू ईच अदर एंड दे बोथ तो यहाँ पे फ्लाई ट्रैप दिखाया गया है एंड एक दूसरा दूसरा जो आपको दिखाया गया है वो एक पिक्चर प्लांट है ओके ये दोनों का ही काम क्या है कि इंसेक्ट को वो ट्रैप करते हैं एंड डाइजेस्ट करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प होती है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑप्शन आपको दिए गए हैं हम पहले वो पढ़ लेते हैं ग्रो इन अलट लैक बोथ एयर एंड वॉटर वो उस सॉइल पे ग्रो होते हैं जहां पे बोथ लैक ऑफ एयर एंड वॉटर होता है यहाँ पे ये कहा गया है तो ऐसा नहीं है तो इनमें ट्रांटेकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो इंसेक्ट को ट्रैप कर पाते हैं तो ये भी गलत है कैन नॉट फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता अफकोर्स हो सकता है बिकॉज इसके लीव जो है वो ग्रीन है तो इसके वजह से फोटोसिंथेसिस भी होता है इसमें नीड टू ओवरकम डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन जाहिर सी बात है डिफिशेंसी ऑफ नाइट्रोजन की वजह से इनको ये करना पड़ता है इनको तो इंसेक्ट को ट्रैप करना पड़ता है ताकि इनके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प हो सके तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ओके तो यहाँ पे जो पिक्चर प्लांट और वेनस फ्लाई ट्रैप वेनस सॉरी पिक्चर प्लांट और वेनस फ्लाई ट्रैप आपको दिखाया गया है तो ये ग्रो होते हैं उस सॉइल में जहाँ पे पुअर नाइट्रोजन क्वांटिटी होती है जिसको वो फुलफिल करने के लिए वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं उन्हें ट्रैप करते हैं ओके लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है रेफर टू द गिवन पिक्चर आपको गिवन पिक्चर देखना है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स इनकरेक्ट मैचिंग ऑफ अ लेबल पार्ट विथ इट्स एग्जांपल एंड यूजेस तो आपको यहाँ पे इसे लेबल करना है लेबल करके आप इसे मैच करेंगे ओके okay? तो अगर आप इसे लेबल करेंगे तो नंबर टी आ, यहां पे पी क्यू आर एस टी है ना तो सबसे पहले पी देख लेते हैं पी इज अ रूट क्यू क्यू इज ए स्टेम एस पी क्यू आर आर इज अस इज अ फ्रूट एंड टी इज अ बर्ड आई थिंक फ्लावर तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया ऑप्शन नंबर ए में पी रेडिश एज अ वेजिटेबल पी एज अ वेजिटेबल रेडिस एज अ वेजिटेबल एंड क्यू स्वीट पोटैटो एज अ वेजिटेबल क्यू क्यू स्टेम एज अ वेजिटेबल नो आर आर इज फॉर लीफ कैबेज एज अ वेजिटेबल एंड एस इज फॉर कॉटन फाइबर प्रोड्यूसर टी बोला गया है टी क्लोव एज अ स्पाइस जिसे सीड कहा जाता है सिनाम एज अ स्पाइस पी पी इज अ रूट सिनेम जो है वो स्टेम होता है तो ये नहीं होगा नंबर सी नंबर डी में बोला है टी फेनल एज अ स्पाइस फेनल फेनल मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट मतलब सीड uh, ओके okay. अगर टी सीड को रिफर कर रहा है तो फेनल एज अ स्पाइस एंड स्पिनच एज अ वेजिटेबल आर आर इज अ लीव, एज अ वेजिटेबल तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा नंबर बी क्योंकि आर uh, एक लीव को रिफर कर रहा है तो कैबेज एज अ वेजिटेबल वी इट लीज राइट एज कॉटन एज अ फाइबर प्रोड्यूसर एज इज अटन तो यहाँ पे फ्रूट तो फ्रूट ऑफ अटन प्लांट इज ऑलवेज रिफर एजन सॉरी फ्रूट ऑफ अ कॉटन प्लांट वी यूज एज अटन फॉर अ फाइबर प्रोड्यूसर तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर है चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देख लेते हैं रिफर टू दिवन पिक्चर यहाँ पे गिवेन पिक्चर ऑफ अ प्लांट विद सम प्लांट लेवल एज एक्स वाई एंड जेड तो यहाँ पे आपको गिवन पिक्चर दिया गया है और उसमें आपको पहले लेवल करना है एक्स वाई एंड जेड तो एक्स जो है वो लीव को रिफर कर रहा है वाई जो है वो पीस को रिफर कर रहा है एंड जेड इज़ अ रूट तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्ट आई द प्लांट कैन नॉट मेक देयर फूड इन द एब्सेंस ऑफ लीव अगर लीव का एब्सेंस हुआ तो प्लांट जो है वो अपना खाना नहीं बना जाएगा बना पाएगा इट विल नॉट गेट हैव डैश इट विल नॉट गेट इट विल नॉट गेट फू राइट तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वाई जो है वो ऑक्सीजन को कहा जा रहा है जेड वॉटर को कहा जा रहा है एंड एक्स क्लोरोफिल को कहा जा रहा है एक्स इज अ क्लोरोफिल तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोध बी एन सी तो मैं आपको बता दूँ बिना आपका अगर यहाँ पे एक्स लीफ को दिखाया जा रहा है तो लीफ्स लीफ में एक पिगमेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल जिसके वजह से लीफ को ग्रीन कलर मिलता है एंड द बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर इट मेक्स इट्स ओन फूड राइट इसीलिए इन द एब्सेंस ऑफ लीफ द प्लांट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड बिकॉज इट इट विल नॉट गेट ग्लूकोज तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है फॉर द गिवन स्टेटमेंट तो यहाँ पे एक्स जो है वो क्लोरोफिल को दिखाया जा रहा है वाई जो है वो ग्लूकोज को दिखाया जा रहा है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन बता रहे तो वो गलत है एंड जेड इज फॉर वाटर। तो यहाँ पे तो यहाँ पे बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर दैट इज द ऑप्शन नंबर डी लेट्स सी अनदर पेज दिस इज दचिवर सेक्शन दैट इज हार्ट तो इसके क्वेश्चन भी बहुत बड़े होते हैं okay? शेयर कर रहे हैं ए बी सी एन डी द टिक टिक सॉरी अटिक इंडिकेट दैट द प्लांट शोस दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टरस्टिक है इट विल शो राइट एंड अ क्रॉस इंडिकेट दैट द प्लांट डज नॉट शो दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक तो जो ट्री ए का बताया गया है उसमें फ्रूट्स भी नहीं आते एंड वो वॉटर में भी ग्रो नहीं होता है नंबर बी में जो बोला गया है उसमें फ्रूट नहीं आते हैं लेकिन ये वॉटर पे ग्रो होता है नंबर सी पे जो बोला गया है उसमें फ्रूट भी आते हैं और ये वाटर पे ग्रो होता है नंबर डी में जो बोला गया है उसमें फ्रूट आते हैं बट ये वॉटर पे ग्रो नहीं होता है चलिए आगे देखते हैं

तो ऑप्शन ए में क्या आते हैं जो फ्लावरिंग है एंड जो एक्वेटिक भी है तो वो होगा फ्लावरिंग भी और एक्वेटिक भी है तो वो है ऑप्शन नंबर डब्ल्यू जो सी में आएंगे राइट और नंबर डी में बोला है जो फ्लावर तो आते हैं बट प्लांट मतलब नॉन एक्वेटिक है जिसमें फ्लावर तो आते हैं बट नॉन एक्वेटिक है दैट इज डब्ल्यू एंड एक्स तो प्लांट सी जो होगा वो W होगा एंड प्लांट एक्स प्लांट डी जो होगा वो X होगा तो इसका सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है 16 का ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में बोला है सम चिल्ड्रन वांटेड टू फाइंड आउट हाउ ओवरक्राउडिंग कैन अफेक्ट प्लांट ग्रोथ तो कुछ बच्चे जानना चाहते थे और फ़ाइन करना चाहते थे कि किस तरीके से अगर पेड़ को एक साथ उगाया जाए उसे ओवर क्राउडिंग कहते हैं ओवर क्राउडिंग अगर उसे अच्छी तरीके से प्रॉपर पॉट या फिर प्रॉपर जगह दे के ना उगाया जाए ओवर क्राउडिंग अगर की जाए प्लांट में तो क्या मतलब तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं दे टुक फोर प्लांट एंड सेटअप्स कंटेनिंग प्लांट्स आज शोन इन द ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सेक्ट वे है ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट तो पहला वाला अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो उसमें गुड सॉइल अच्छी मिट्टी दी गई है और एक प्लांट दिया गया है पुअर मिट्टी दी गई है और बहुत सारे प्लांट दिए गए है ऑप्शन बी में पुअर मिट्टी में एक प्लांट दिए गए हैं एंड गुड सॉइल में बहुत सारे प्लांट्स दिए गए हैं ऑप्शन सी में गुड सॉयल में एक प्लांट दिए गए हैं एंड गुड सॉयल में बहुत सारे प्लांट्स दिए गए हैं गुड सॉइल में एक प्लांट दिए गए हैं एंड गुड साइयल में बहुत सारे प्लांट्स दिए गए हैं लेकिन यहाँ पे मिट्टी की क्वांटिटी भी आप ध्यान दें तो यहाँ पे मिट्टी की क्वांटिटी बराबर है यहाँ पे मिट्टी की क्वांटिटी कम है तो हम इस तरीके से बोलेंगे अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप सही वे में बराबर में कीजिए ताकि आपको रिजल्ट अच्छा मिल सके तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है इसमें मिट्टी की क्वांटिटी भी बराबर है और सॉइल की क्वांटिटी भी बराबर है इसमें सॉइल की क्वांटिटी कम है और मिट्टी की क्वांटिटी भी सॉरी uh, इसमें मिट्टी की क्वांटिटी कम है और सॉइल ठीक है तो इसीलिए अगर आपको एक्सपेरिमेंट सेटअप करना है तो अगर इस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं तो उन्हें आंसर जो होगा उनका जो एक्सपेरिमेंट है उन्हें वो करेक्ट वे में मिलेगा तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में आपको बोला है स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट आपको फ्लो चार्ट पढ़ना है सोइंग थ्री टाइप ऑफ वाटर प्लांट सम ऑफ देयर फीचर आर गिवन बिलो कुछ के फीचर्स दिए गए हैं सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द वाटर प्लांट विद देयर रेस्पेक्टिव फीचर जो वाटर प्लांट है उसके करेक्ट मैच को फाइंड आउट करना है विद देयर रेस्पेक्टिव फीचर उनके फीचर क्या है तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स दिखाए गए हैं तो नंबर वन जो आपको यहाँ पे दिखाया गया नंबर एक्स में जो दिखाया गया है वो है हाया तो मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ हाया सिंध ओके दूसरा है वाई में जो दिखाया गया है वो है लोटस ठीक है तीसरा जो है वो है हाइड्रिलिया हाई हाइड्रिला ओके <laughs> तीसरा जो दिखाया गया है वो है हाइड्रिला तो अब यहाँ पे बोला गया है दे हैव अ थिन लीव्स विथ नो स्टोमेटा तो हाइड्रिला है वो जिसके थिन लीव्स होते हैं और उसके कोई स्टोमेटा नहीं होते क्योंकि ये पानी के अंदर होता है और नंबर टू में बोला है दे बॉडीज़ आर लाइक अ स्पंज एंड हैव एम्प्टी स्पेस फिल्ड विथ एयर तो यहाँ पे बोला गया है कि इनकी जो बॉडी होती है वो स्पंज की तरह होती है एंड इनके बॉडी uh, में स्टोमेटा होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नंबर एक्स दैट इज दायशिंत हाइशेंट हायशिंत जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर थ्री जो है यहाँ पे बोला गया है दे हैव अ प्लेट लाइक लीफ प्लेट लाइक लीफ किसका होता है वो तो आपको पता ही है लोटस का एंड उनके स्टोमेटा अपर साइड में होता है सो दिस इज लोटस ओके तो यहाँ पे जेड uh, का वन आएगा एक्स का टू आएगा एंड वाई का थ्री आएगा तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ओके लेट सी क्वेश्चन तो यहाँ पे लास्ट नंबर सॉरी लास्ट क्वेश्चन नंबर है दैट इज ट्वेंटी तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देख लेते हैं रिफर टू गिवन फ्लो चार्ट तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है तो फ्लो चार्ट आपको देखना है और इसका आंसर देना है पहला है हाइड्रिला अब यहाँ पे बोला है प्लांट ग्रो ऑन लैंड नो हाइड्रिला जो है वो वॉटर में ग्रो होता है अभी हमने देखा था नो no. और यस yes, लोटस अब यहाँ पे बोला है प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड यस एम में दिया है पटेटो और यहाँ पे दिया है पटेटो नो यहाँ पे दिया है एंड एम में दिया है पपाया तो वॉट डू एम एंड एन रिप्रेजेंट इन द फ्लो चार्ट एम और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्लो चार्ट में तो यहाँ पे पटेटो नो बोला गया है तो मे बी ट्री होगा यहाँ पे और समथिंग ओके हैज बिग फ्लावर हैज लॉन्ग स्टेम एन हैज एडिबल फ्रूट हैज टोमेटा ऑन लीफ हैज उडी स्टेम एंड हैज स्पोर्स हैज एडिबल रूट फ्लोट इन वाटर अगर फ्लोट इन वाटर होता एन तो यस होता एंड हैज एडिबल रूट होता तो ये यस yes होता है तो येज उडी स्टेम होता तो नहीं हैज एडिबल फ्रूट तो पटाटो में एडिबल फ्रूट नहीं होता बट पपाया इज एडिबल फ्रूट राइट तो इसीलिए यहाँ पे एस है यहाँ पे नो no है तो यहाँ पे नंबर बी